आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। आपको आईबीएन भारत पर तमाम ऐसी खबरें मिल जाती हैं जिसको पढ़ने और सुनने के बाद आपको पता चलता है कि छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे की दुनिया में क्या हो रहा है, इस वक्त आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उनकी मूवीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और कोरोना वायरस की वजह से मूवी हॉल्स बंद हैं और इसी बहाने अब बॉलीवुड की मूवीज को नेटफ्लिक्स पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक और मूवी का नाम जुड़ गया है। मूवी का नाम है रात अकेली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी में क्या खास बात है और इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की एक्टिंग कैसी है। आपको बता दें नेटफ्लिक्स ने 16 जुलाई को 17 मूवीज और सीरीज का ऐलान किया था। इसी कड़ी में आज मूवी रात अकेली है का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मूवी में राधिका आप्टे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक साथ देखा जा सकता है और दोनों की दमदार एक्टिंग ट्रेलर में नजर आ रही है। मूवी की कहानी पुलिस अफसर जटिल यादव की है जिसे एक कत्ल की गुत्थी को सुलझाना है। यह कत्ल एक ताकतवर नेता का हुआ है। रात अकेली है को हनी त्रिहेन ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, श्वेता त्रिपाठी जैसे कलाकार आपको नजर आएंगे। रात अकेली के बारे में मूवी के डायरेक्टर नरेश त्रिहेन ने बताया, सिनेमा में क्राइम थ्रिलर मेरा पसंदीदा जॉनर है। मैं हमेशा से जिंदगी के काफी करीब वाली कहानी कहना चाहता था और ऐसे ही कुछ रात अकेली है में देखने को मिलेगा। वहीं जटिल यादव ने अपने किरदार को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया, यह मूवी आपको एकदम से अपनी ओर खींचती है और फिर अपने साथ एक सफर पर ले जाती है। मैं एक इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ जो एक ताकतवर नेता की कत्ल की गुत्थी को सुलझा रहा है। थोड़ी जटिल कैरेक्टर है, जटिल समाज तौर पर मिसफिट है और औरतों के साथ थोड़ा असहज महसूस करता है। वह हमेशा न्याय की तलाश में रहता है, सच को सामने लाने तक चैन की सांस नहीं लेता है। राधिका आप्टे रात अकेली है में अपने किरदार को लेकर बताती हैं। रात अकेली है के साथ नेटफ्लिक्स पर आना यानी घर वापसी जैसा है। यह एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें कई पहलुओं की पड़ताल होती है। मैं राधिका का किरदार निभा रही हूँ जो एक नवविवाहित होती है, जो गुस्सैल होती है। इस तरह एक शानदार मूवी के साथ नेटफ्लिक्स तैयार है। यह मूवी 13 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। जी हाँ, जैसा कि आपने जाना कि किस तरीके से नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की एक्टिंग ट्रेलर में दमदार है और इस मूवी के ट्रेलर के देखने के बाद यही लग रहा है ये मूवी नेटफ्लिक्स पर छा जाएगी। तो इंतजार करिए 13 जुलाई का। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आईबीएन भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।